द फुलिश गोट्स दे वेयर टू गोट्स दो बकरियाँ थी दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट वे एक जंगल में रहती थी वन इवनिंग दे वेयर रिटर्निंग होम एक शाम वे लोग घर लौट रहे थे देयर वॉज अ स्मॉल स्ट्रीम व्हिच हैड टू क्रॉस वहाँ एक छोटी सी धारा थी जिसको उन लोगों को पास करना था द ब्रिज ओवर द स्ट्रीम वॉज वेरी नारो स्ट्रीम के ऊपर एक संकीर्ण ब्रिज थी ओनली वन गोट कुड वॉक अक्रॉस द ब्रिज सिर्फ एक बकरी उस ब्रिज से पार कर सकती थी द टू गोट्स केम फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन दो बकरी एक साथ विपरीत दिशा से आई बोथ ऑफ देम रीच्ड एट सेंटर दोनों मध्य में आ गई स्टॉप स्टॉप लेट मी क्रॉस द स्ट्रीम फर्स्ट रुको रुको पहले धारा को मुझे पार करने दो नो नो यू गो बैक एंड लेट मी क्रॉस द स्ट्रीम फर्स्ट रिप्लाई द सेकेंड गोट दूसरी बकरी ने कही नहीं नहीं तुम पीछे जाओ मुझे पार करने दो द गोट्स वेयर प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ दोनों बकरियों को अपनी शक्ति पर गर्व था नाइदर ऑफ देम वॉज रेडी टू गिव वे टू द अदर दोनों में से कोई दूसरे को पास होना नहीं देना चाहती थी दे हैड अ फाइट दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया दे रश्ड फ्रॉम द अपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज वे दोनों ब्रिज के दूसरे साइड से धक्का दिए देयर हेड्स मेट इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज उन दोनों का सिर ब्रिज के मध्य में मिला बोथ पुश्ड ईच अदर दोनों एक दूसरे को ढकेली आफ्टर अ व्हाइल दे बोथ लॉस्ट देयर बैलेंस एंड फेल इनटू द स्ट्रीम कुछ समय के बाद दोनों अपना संतुलन खो बैठी और धारा में गिर गई बोथ द गोट स्ट्रगल टू सेव देमसेल्फ दोनों बचने के लिए बहुत कोशिश की बट दे ड्राउंड किंतु वे दोनों डूब गई मोरल फाइटिंग इज द वॉक ऑफ फूलिश झगड़ना मूर्खों का काम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो द टू गोट्स वेयर क्वारलिंग टू क्रॉस द रोड दो बकरियां झगड़ा कर रही थी उनके झगड़े व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर क्वेरल उनके झगड़े का क्या परिणाम निकला दे बोथ लॉस्ट देयर बैलेंस एंड फेल इनटू द स्ट्रीम वे दोनों अपना संतुलन खो बैठी और धारा में गिर गई थ्री व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी इस कहानी से तुमने क्या सीखा आंसर फाइटिंग इज द वर्क ऑफ फूलिश लड़ना मूर्खों का काम होता है राइट ट्रू और फॉल्स सही और गलत लिखो द टू गोट्स वेयर फ्रेंड दोनों बकरियां दोस्त थी गलत द टू गोट्स हैड टू क्रॉस द स्ट्रीम दोनों बकरियों को धारा पार करना था सही है तो ट्रू द फर्स्ट गोट स्टॉप्ड एंड गिव वे टू द सेकेंड गोट पहली बकरी रुक गई और दूसरी बकरी को रास्ता दे दी फॉल्स गलत फोर बोथ गोट्स फेल इन टू द वाटर दोनों बकरियां पानी में गिर गई ट्रू फिफ्थ द टू गोट्स वेयर क्लेवर दोनों बकरियां चालाक थी फॉल्स मैच द अपोजिट ए स्मॉल बिग नारो बोर्ड अपोजिट सेम कम गो रिप्लाई क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट एंड स्टार्ट एड नॉट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज द ब्रिज वॉज वेरी नारो
नॉट जोड़ने से लिखेंगे द ब्रिज वॉज नॉट वेरी नारो। सेकेंड बोथ द गोट्स वेयर प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ। नॉट लिखने जोड़ने पर बोथ द गोट्स वेयर नॉट प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ। थ्री द लायन कुड किल द डंकी। आंसर द लायन कुड नॉट किल द डंकी। फोर द गोट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आंसर द गोट वॉज नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। पुट द वुड वन आउट, इसमें जो वुड है उसको बाहर करो। गोट डियर काओ एक हार्वी बोर है, लाइन नहीं है तो इसको आउट करेंगे। स्ट्रीम रिवर सी, चारों पानी की धाराएं हैं, चारों पानी से संबंधित है, डेजर्ट नहीं है तो इसको आउट करेंगे। पेन पेंसिल इरेजर ये सभी लिखने के काम में आते हैं या नहीं आता तो इसको आउट करेंगे। साइकिल स्कूटर ट्रेन सभी जहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के साधन है, एप्पल नहीं है तो इसको आउट करेंगे। अंडरलाइन द एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट देयर वाज अ स्मॉल स्ट्रीम, तो यहाँ स्मॉल एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है धारा का, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। देयर वाज नारो ब्रिज, ब्रिज को यह विशेषता बताता है तो इसको अंदर लाइन खींचेंगे। ही इज नॉटी बॉय, बॉय का यह विशेषता बताता है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। रेशमी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल को अंडरलाइन करेंगे। तरुण लिव्स इन अ हाउस, बिग को अंडरलाइन करेंगे। Each of the following picture is part of the world given in the box. Match the picture with the world by drawing a line. One is done for you. अब यह डेन है तो यहाँ गार्डन, गार्डन में डेन है तो इससे मैच कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर देखो यह है, इसको टॉप से यहाँ पर मैच कर देंगे। यह लेग है तो एल ई जी से इसको मैच कर देंगे। यह की है तो के ई वाई डंकी से इसको मैच कर देंगे। यह ओल्ड है, गोल्ड है तो इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे। ओल्ड से मैच कर देंगे। बैग बी ए जी बैग है तो इसको इससे मैच कर देंगे। ई ए आर ई या बियर है तो ई ए आर है तो इसको ईयर से मैच कर देंगे। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी, पिक्चर को देखो और इस लिखो। देयर वेयर टू गोट्स, दो बकरियां थी। दे वेयर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहती थी। वन डे दे वेयर रिटर्निंग होम, एक दिन वे लोग घर लौट रही थी। द ब्रिज ओवर इट वॉज वेरी नारो, ब्रिज जो है बहुत संकीर्ण था। ओनली वन गोट कुड वॉक अक्रॉस द ब्रिज, सिर्फ एक ही बकरी पास कर सकती थी। एंड अदर गोट क्रॉस, वन गोट बेंट डाउन, एक बकरी झुक गई। एंड अदर गोट क्रॉस्ड, दूसरा पार हो कर गई।